देवास नगर वासियों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश है। कल से सभी प्रकार के वाहन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे, कोई भी किसी प्रकार का वाहन सड़क पे नहीं दिखेगा। और दूसरा, किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता है तो घर पे आपकी आवश्यक चीज़ें पहुंच जाएंगी, उसकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। और किसी भी दुकानदार के सामने, खास करके मेडिकल शॉप्स के सामने अगर भीड़ हो रही है तो हम उस दुकानदार को ही जिम्मेदार मानेंगे। अगर आपको समस्या हो रही है भीड़ को कंट्रोल करने में तो प्लीज़ आप हमको खबर कीजिए, वहाँ हम लोग आके उसको व्यवस्था करेंगे। और आप भीड़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ आप दुकान को उतनी देर के लिए बंद कर दीजिए। जब तक पुलिस और प्रशासन वहाँ पर पहुँच के व्यवस्था नहीं बनाती है तब तक आप प्लीज़ आपकी सेवाएँ बंद कीजिए। हम लोग इन निर्देशों का जो भी पालन नहीं करते हैं, हुए ब्रेक्स डाउन दिस कर्फ्यू के नियम जो हैं, वी आर गोइंग टू रजिस्टर केस अंडर सेक्शन 270 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी दुकानदार के खिलाफ और जो भी इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और सबके लिए ये पॉइंट दूसरा है, इतने दिन हम लोगों ने फोर्स का यूज़ नहीं किया है, कल से एक नगर निगम का और पुलिस का टीम रहेगा। हमने गाड़ियाँ ईयरमार्क किया है जिसमें सिर्फ लोगों को अरेस्ट करके 200, 300, 400, 500 जितने भी लोग रहेंगे उन सबको हम लोग उठाएंगे। वहाँ पे आप लोगों को खाना और बाकी चीज़ों का सप्लाई किया जाएगा, आपको घरों में नहीं पहुँचाएंगे। और वाहन भी जो भी चलाएगा उसकी जब्ती होगी। कोरोना का जो लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद में ही आपको आपकी गाड़ियाँ मिलेगी। ऐसी स्थिति ना आए कि आप लोग हमारे दिए हुए खाना खा रहे। काइंडली स्टे एट होम, फिर से दोबारा हम लोगों का अपील है, स्टे एट होम।